करनाल व आसपास के NH1 हाईवे पर लूटपाट की वारदात एवं चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य सरगना गौरव उर्फ गोरा बड़ौदा निवासी को गिरफ्तार करने में पुलिस द्वारा कामयाबी हासिल की गई है, जिसके चलते आज सिटी थाना SHO हरजिंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि करनाल व आसपास हाईवे पर गाड़ी लूटने वाला गिरोह सक्रिय था, जिसके 4 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, परंतु इनका मुख्य सरगना अभी गिरफ्त से बाहर था, जिसको करनाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी हरियाणा UP बॉर्डर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे गौरव को पुलिस ने धर दबोचा। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि यह हाईवे पर घूमते रहते थे और जो गाड़ी में तेल डलवाने, वॉशरूम जाने व ठेके आदि पर रुकती थी तो उनको गन पॉइंट पर उनसे चाबी ले लेते थे और गाड़ी लूटकर फरार हो जाते थे। इनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल इनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य की वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। तकरीबन 11 तारीख छठे महीने में हमने एक गैंग का खुलासा किया था, क्योंकि नमस्ते चौक से एक कैप्चर गाड़ी स्नैच हुई थी गन पॉइंट पर, जो हमने उस टाइम एक गैंग को पकड़ा था जिसने काफ़ी वारदातें कबूल की थी, जिनमें से 7 से 8 वारदातें जो कि सभी गन पॉइंट की थी और कोई स्नैचिंग की थी, लूट की थी, डकैती की थी, जो कि एक बहुत बड़ा गैंग था और जिस गैंग का मास्टरमाइंड गौरव उर्फ गोरा विलेज बड़ौता का रहने वाला था, जो कि पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था, जिसे आज सुबह हमारी टीम ने हरियाणा UP बॉर्डर से अरेस्ट किया है और इसके कब्जा से एक देसी कट्टा मिला है। और यही आदमी था जो सभी जो GT रोड की जितनी भी वारदातें, बड़ी वारदातें थी, उनको उनका सरगना या उनका जो भी वो बनाता था, इसी की छत्रछाया में सारा ये प्रोग्राम होता था, सारी टीम इसके अंडर काम करती थी। कितने लोग थे? पहले 4 लड़के इसमें अरेस्ट हो गए थे और जिनका मुखिया था वो अभी 5वां आज अरेस्ट हुआ है। अभी और भी है कुछ, इससे खुलासे किए जाएंगे, रिमांड लिया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ इन्होंने अभी तक? इन्होंने 3 गाड़ियाँ हैं जो कि ऑलमोस्ट एक तो यहाँ गन पॉइंट, सभी गन पॉइंट की है और इससे पहले एक घरोंडा की थी, उसमें इन्होंने फायर भी किया था, गोली भी चली थी, उसमें 307 भी है, 397 का मुकदमा है, जो कि सभी गन पॉइंट की वारदातें हैं और सभी GT रोड की वारदातें हैं। एक बहुत बड़ा गैंग था और अब भी ये किसी वारदात की फिराक में फिर रहा था, जो कि एक कट्टा लिए हुए अभी हरियाणा में एंटर किया, जैसे वहाँ बॉर्डर से हमारी टीम ने सुबह से अर्ली मॉर्निंग आज। सर पढ़े लिखे हैं, कोई पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड हो कुछ? नहीं, ऐसा पहले आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बट जो इनकी वारदातें आज से 2 साल पुरानी है, 17 की भी है, 2018 और 19 लगातार 3-4 साल से सक्रिय है और ये पहली बार पुलिस की गिरफ्त में है और इन सारी वारदातें करीबन 8 से 9 कबूल की है। बाकी अभी इसको रिमांड लिया जाएगा, आगे पूछताछ की जाएगी, जो भी होगा इस वारदात। वारदात कैसे करते? जैसे भी ये अपना GT रोड पर घूमते थे, कोई गाड़ी रुकती थी, चाहे वो वॉशरूम के लिए या तेल के लिए या कोई लास्ट ईयर जो ठेक, अभी थोड़े दिन पहले एक कैप्चर गाड़ी स्नैच हुई थी, वो एक ठेके पर रुका था, जैसे वो गाड़ी से बैठता है तो उसको गन पॉइंट पर उसको गन लगाकर उसे चाबी लेकर और स्नैच करके चले जाते हैं। क्या क्या बरामद हुआ सर इनसे? इनसे पहले कैप्चर गाड़ी, उसके अलावा 2 बाइक जो कि इन्होंने स्नैच की हैं, जो कट्टे, 2 कट्टे बरामद हुए हैं, आज एक कट्टा इससे बरामद हुआ है और एक बाइक के साथ ये पकड़ा गया, अभी उसकी पूछताछ बाकी से। और भी हो सकते हैं। इससे पहले इस गैंग के 4 सदस्य पकड़े जा चुके हैं, ये 5वां है, यही वो उनमें से 4ों में से कोई 2 वारदात में, कोई 4 में, बट ये इनका मास्टर माइंड था, ये सभी वारदातों में है, सारा प्लान और यही तैयार करता था, कहाँ रखना है, कहाँ पकड़ना है और कहाँ क्या करना है, सारे इसी द्वारा तैयार किया जाता था। ये बड़ौता गांव का है जो कि थाना का बड़ौता गांव है, वहाँ का रहता। अभी इसको अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और भी जो वारदातें होगी उनका खुलासा किया जाएगा सबकी बराबर। सर किन किन शहरों में इसलिए वारदात? ये मोस्टली करनाल और पानीपत 2 शहरों में GT रोड पर सरी हाईवे की करते कि पानीपत टोल पर भी इसकी कुछ वारदातें हैं और करनाल, गरोंडा सिटी और सदर सिविल लाइन, ये सभी थानों में इसकी वारदात। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।